हेलो डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेल। पार्ट नंबर आपका जो है ये सेकंड है। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर सेकंड के बारे में, जो कि आपका ये भी टॉपिक सेल का ही है। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आपको मैं बता दूं सेल के बारे में, इससे पहले हम लोग बात किए थे कोशिका के बारे में कि कोशिका होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका हमारे शरीर की क्रियात्मक एंड संरचनात्मक इकाई होती है, इस बात को मैंने आपको बताया था। और हमारा जो शरीर है, पूरा जो बॉडी है, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये पूरा का पूरा सेल से ही बना हुआ है, यानी कोशिका से ही बना हुआ है। हमारे बॉडी में पर डे कई करोड़ सेल्स डाई होते हैं और कई करोड़ सेल्स उसके जगह पे फिर पैदा होते हैं। समझ में आ गया? अब आइए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी पे, यानी कि पूरे हमारे अर्थ पे दो तरह के सेल्स होते हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड नंबर यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब यह हुआ कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, वह सभी के सभी लगभग लगभग प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड जितने भी एनिमल्स होते हैं इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटिक कहा जाता है। एंड यूनिसेलुलर, जिनके पास न्यूक्लियस अब्सेंट होता है या अगर होता है तो आभासी होता है, ना के बराबर होता है, उन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग को बताना यहां पे पढ़ना है। तो ध्यान से यहां पे समझिए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं प्रोकैरियोटिक सेल, एक मैं छोटा सा आपको एक ट्रिक बता रहा हूं याद करने का, प्रो एंड यू। चलिए मैं आपको बताता हूं, यहां पे ध्यान समझिएगा। प्रो जहां पर आ गया, प्रो का मतलब तुरंत समझ जाइएगा फॉल्स। ओके, एंड अगर यू आ गया, यू का मतलब आपको पता होना चाहिए ट्रू। मींस प्रो मींस फॉल्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास फॉल्स टाइप का न्यूक्लियस, फॉल्स टाइप का न्यूक्लियोलस, मतलब कि एवरीथिंग, लगभग लगभग सभी चीजें जो फॉल्स टाइप की पाई जाती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कहेंगे। एंड यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस एंड सब कुछ ट्रू टाइप्स के होते हैं, उन्हें कहते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो यहां पे आपको मैंने तीन तरह का सेल्स बनाकर आपको दिखाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे इसको कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, एंड सेकंड नंबर पे यहां पर देखेंगे तो ये यूकैरियोटिक और ये भी यूकैरियोटिक है, बट डिफरेंट क्या है, ये एनिमल सेल है एंड ये प्लांट सेल है। समझ में आ गया? तो आइए अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, कौन कौन से जीव आते हैं, उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम। प्रोकैरियोटिक में बच्चों बैक्टीरिया, ध्यान समझिएगा, बैक्टीरिया जो होते हैं प्रोकैरियोटिक में आते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। माइकोप्लाज्मा, ये भी एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही है। याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा जो है ये वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकता है। इसको ऑक्सीजन दीजिए या ना दीजिए, ये आराम से इजिली सरवाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है, जिसको माइकोप्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। कुछ वायरस भी होते हैं लेकिन वायरस इसमें नहीं लिया जाएगा, बिकॉज वायरस जो होते हैं आपको पता होना चाहिए कि वो लिविंग एंड नॉन लिविंग, इन दोनों के बीच के कनेक्टिव मेंबर होते हैं। आप अगर जिंदा हैं फिर भी आपको वायरस इफेक्टेड इन्फेक्ट करेंगे, एंड अगर आप डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं, तब भी वायरस आपको नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ गया? तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियल सेल के बारे में। तो बैक्टीरियल सेल क्या क्या होता है, किसे किसे मिलकर बना होता है, आइए हम लोग बात करते हैं बैक्टीरियल सेल का। तो आपको पता होना चाहिए जो आप ये देख रहे हैं ये एक तरह का बैक्टीरिया है, पूरी तरीके से बैक्टीरिया का पूरा सेल है। इसके अंदर बहुत सारे आप देख रहे होंगे मटेरियल पाए जा रहे हैं, कौन कौन से हैं, तो आइए एक बार बात करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये इसको हम लोग कहते हैं जो बड़ा सा आपको दिख रहा है क्रोमोसोमल डीएनए। ये डीएनए है जो कि क्रोमोसोमल डीएनए है, और इस डीएनए के अंदर या तो क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए आपको दिख रहा है या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, और उसके साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन इसके साथ अटैच होता है। याद रखिएगा प्रोटीन या आरएनए होगा या तो प्रोटीन और डीएनए होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रोटीन और डीएनए के साथ मिला हुआ है, मींस ये जो है क्रोमोसोमल एक तरह का डीएनए है। पहले अंदर की चीजों के बारे में समझ लीजिए फिर बाहर हम लोग समझते हैं। जस्ट इसके बाद से अब आप ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर जो छोटा छोटा दिख रहा है इसको राइबोसोम कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर
70S का राइबोसोम पाया जाता है, 70S और एक होता है 80S, 70S और 80S, 70S राइबोसोम जो होता है ये हमारे बॉडी के अंदर होता है, मीन्स यूकैरियोटिक जितने भी जीव होते हैं उनके अंदर होता है, और अगर 70S देख रहे हैं मतलब कि ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक के अंदर पाया जा रहा है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, समझ में आ गया, और 70S राइबोसोम आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड 80S राइबोसोम आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक में दोनों आ जाएंगे, प्लांट एंड एनिमल बोथ, ठीक है, ये आपका प्लांट है एंड ये एनिमल है। अब देखो राइबोसोम समझ में आ गया, राइबोसोम के बाद से आप और आते हैं यहां पे, तो एक और आपको छोटा सा एक सर्कुलर टाइप का एक डीएनए होगा जिसको हम लोग प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। इस प्लाज्मिड का यूज बच्चों किया जाता है, जो किसी भी डीएनए का कॉपी करना है वहां पे इसका किया जाता है यूज, ठीक है, जो आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, जो आप सेकेंड ईयर में आओगे या सेकेंड ईयर के टॉपिक में, तो इसको जरूर आप लोग प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे। एक और बात याद रखिएगा, ये जो आप सेल का टॉपिक पढ़ रहे हैं ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेल, ठीक है, इससे बहुत सारे टॉपिक क्लियर आपके हो जाएंगे सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट ईयर में भी, इसलिए इसको आप सभी लोग केयरफुली समझिए। तो ये प्लाज्मिड के बारे में आप लोगों ने समझ लीजिए। प्लाज्मिड के बाद से अब आप आएंगे अंदर की ओर, तो यहां पे देखेंगे तीन लेयर आपको दिख रहा होगा, 1 2 3, इन तीन लेयर में जो सबसे अंदर का लेयर होता है बच्चों, सबसे अंदर का लेयर वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इस मेम्ब्रेन को, इस झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक आप देखेंगे तो मीजोसोम बना होता है, ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है ना ये स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं मीजोसोम। मीजोसोम का काम होता है रेस्पिरेशन करना, यानी कि श्वसन क्रिया में मदद करना। ठीक उसी प्रकार से अगर आप यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखेंगे तो यूकैरियोटिक में मीजोसोम्स नहीं होता है, अब्सेंट होता है, मीजोसोम के जगह पे यहां पे आप देखोगे तो माइटोकांड्रिया होता है। माइटोकांड्रिया का भी काम वही होता है, क्या, रेस्पिरेशन कराना यानी श्वसन कराना, लेकिन यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में माइटोकांड्रिया के जगह पे मीसोसोम होता है, याद रखिएगा, वो भी श्वसन में मदद करता है, ये भी श्वसन में मदद करता है, दोनों का काम सेम है। जस्ट इसके बाद से अब हम लोग थोड़ा सा और इसके बाहर वाले लेयर पे आते हैं, इस लेयर का नाम होता है बच्चों सेल वॉल, कोशिका भित्ति। सेल वॉल जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन सबस्टेंस से बना होता है, और सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर आप देख रहे हैं इसको कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइको कई जगह इसको आप लोग कैप्सूल के नाम से भी जानेंगे, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये क्या होता है। जस्ट अब हम लोग देखेंगे सबसे जो ये जो आपको लेयर दिख रहा है इसमें पिल्लई भी एक पाया जाता है, एक स्ट्रक्चर पिल्लई, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। और अब हम लोग बात करेंगे यहां पे आप देखेंगे इस बैक्टीरियल सेल के बाहर एक छोटा सा फ्लेजिलम है जिसको कसाभिका के नाम से भी जाना जाता है। ये कसाभिका यानी फ्लेजिलम का काम क्या होता है, चलने में मदद करता है। ये सभी प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, याद रखिएगा, कुछ प्रोकैरियोटिक के अंदर ये फ्लेजिला होता है और कुछ बैक्टीरिया यानी कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास नहीं होता है। इनको टू पार्ट्स में फ्लेजिला के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, आपको मैं बता दूं, एक को कहा जाता है बच्चों ट्राइकस, ठीक है ना, एक को कहा जाएगा ट्राइकस। ट्राइकस का मतलब होता है जिनके पास फ्लेजिला प्रेजेंट होता है और जो एक जगह से दूसरे जगह पे आसानी से जा सकते हैं, इन्हें ट्राइकस या फ्लेजिलेटेड बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। एक होता है दूसरा जिसका नाम होता है ए ट्राइकस। तो आपको बता दें जो ए ट्राइकस ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास फ्लेजिला नहीं होता है, यानी कसाभिका नहीं होता है। आप सोचिए अगर कसाभिका नहीं होगा तो क्या ये एक जगह से दूसरी जगह चल पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, समझ में आ गया। तो फ्लेजिला के अकॉर्डिंग इन प्रोकैरियोटिक को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जो कि आप इसको आगे पढ़ोगे। खैर ये था अभी तक हम लोग प्रोकैरियोटिक के बारे में समझ रहे थे, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, इसमें आप देखिए कहीं भी न्यूक्लियस नहीं है, केंद्रक कहीं नहीं होता है, समझ में आ गया, अगर होगा भी तो फॉल्स टाइप का होगा। अब हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं एनिमल सेल अलग होता है एंड प्लांट सेल अलग होता है, और दोनों में डिफरेंट भी होता है। कुछ चीजें आप देखेंगे प्लांट सेल में होंगी तो एनिमल में नहीं होंगी, और कुछ एनिमल सेल में होंगी तो प्लांट सेल में नहीं होंगी, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को भी समझते हैं, इन तीनों में एक एक करके हम लोग डिफरेंस एक बार समझ लेते हैं। आइए देखते हैं, ये जो आप देख रहे हो पूरा पार्ट, ये बच्चों है एनिमल सेल, जंतु कोशिका इसको हिंदी में कहा जाता है। आप जंतु कोशिका में अगर देखोगे सेम टू सेम उसी तरह प्लांट सेल भी होता है, लेकिन कुछ ना कुछ दोनों में डिफरेंस होता है,
क्या डिफरेंस होता है इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, जो आप अंदर से हम लोग चलते हैं, चलिए ये सबसे पहले आप देख लीजिए, यहां पे आपको एक न्यूक्लियोलस दिखेगा। न्यूक्लियोलस मींस यूकैरियोटिक, मतलब मैंने आपको बताया ट्रू, ट्रू का मतलब होता है 100% इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, देखिए यू का मतलब ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब कि जिसके पास ट्रू मींस 100% न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे हम लोग यूकैरियोटिक कहेंगे। देखिए यहां पे सबसे अंदर आएंगे तो ये न्यूक्लियोलस इसमें प्रेजेंट है। सेम आप देखिए इधर भी प्लांट सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, दोनों में कॉमन है। ओके, जस्ट इसके बाद से बाहर वाले में आते हैं, तो बाहर वाले को आप देखेंगे इस पूरे पार्ट को कहा जाता है न्यूक्लियस। देख रहे हैं सेम वही चीज यहां भी है न्यूक्लियस। इस पार्ट को अगर आप देख रहे हो, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये पूरी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पार्ट है, देख रहा हूं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरह का होता है, दो प्रकार का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन कौन सा, तो आप याद रखिएगा, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब होता है यहां पर आप देखिए अगर छोटा छोटा स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, इसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर देखेंगे पूरी तरह से कोई भी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नहीं बना है, मतलब कि नॉर्मल है, उसे कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से हम लोग थोड़ा सा हटके और इस पार्ट पे आते हैं। ये जो पार्ट देख रहे हैं यहां भी है, इसको कहते हैं गॉल्जी बॉडीज, और सेम वही चीज ये भी है, देखिए ये भी गॉल्जी बॉडीज ही है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से समझेंगे गॉल्जी बॉडीज के बारे में। अब देखेंगे यहां पर सेम यहां भी है और यहां भी है माइटोकांड्रिया, दोनों का काम होता है रेस्पिरेशन कराना एंड एनर्जी प्रोवाइड करना, एनर्जी का इसको भंडार भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। एंड अब इसके बाद से आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे छोटा सा, यहां पर देखिए लाइसोसोम है, यहां भी आप देखेंगे तो लाइसोसोम है। लाइसोसोम का काम आपको पता होना चाहिए, लाइसोसोम क्या काम करता है, जो सेल्स पूरी तरह से डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, उन सेल को ये फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है उनको मार के खत्म कर देता है। ठीक है, यानी कि जितने भी बेकार सेल्स होते हैं उनको खत्म करने में ये हेल्प करता है, जिसका नाम है लाइसोसोम। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। ये इसके बाहर का आप देख रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों में डिफरेंट क्या है। एनिमल में तो आपने समझ लिया क्या क्या है क्या क्या नहीं है, अब देखिए प्लांट में क्या है। सबसे पहली बात यहां पर आप देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दोनों में कॉमन होता है। यहां पर देखेंगे तो सेल वॉल होता है, सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका भित्ति, आपको पता होना चाहिए ये सेल वॉल इसमें है, लेकिन एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे यानी कि बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो इसमें सेल वॉल होता है। यही वजह है कि बैक्टीरिया को पौधों के अंदर रखा गया है, समझ में आ गया, प्लांट किंगडम में रखा गया है, पादप जगत में जितने भी बैक्टीरिया आते हैं उनको रखा गया है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोशिका भित्ति पाई जाती है, समझ में आ गया, पौधों के जैसे ही। तो यहां पर आप देखिए सबसे बाहर वाला लेयर जो है ये कोशिका भित्ति है, मीन सेल वॉल है। सेल वॉल के बाद से आप और अंदर की ओर आएंगे तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद से यहां पर आप आएंगे तो देखिए क्लोरोप्लास्ट होता है, और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से जो लीव्स होते हैं पेड़ पौधों के वो ग्रीन होते हैं, हरे कलर के होते हैं। तो ये चीजें तो इसमें एनिमल के अंदर पाई नहीं जा रही हैं, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों डिफरेंट हुआ कि नहीं, ये सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों डिफरेंस हो गया, समझ में आ गया। और देखिए क्या क्या डिफरेंस होता है, लाइसोसोम इसमें है एंड लाइसोसोम इसमें भी है, कॉमन है। ओके, ये सभी पार्ट दोनों ये भी कॉमन है, न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद से ये देखेंगे गॉल्जी बॉडीज, तो गॉल्जी बॉडीज यहां भी है, माइटोकांड्रिया तो माइटोकांड्रिया है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कुछ वैक्यूल है, इसको हिंदी में रिक्तिका कहा जाता है, प्लांट में पेड़ पौधों की कोशिकाओं के अंदर वैक्यूल यानी कि रिक्तिका पाई जाती है। एनिमल सेल के अंदर आप देखेंगे कहीं पे भी कोई वैक्यूल नहीं होता है, कोई भी रिक्तिका नहीं होता है, समझ में आ गया। तो ये तीनों सेल्स के बारे में था, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, समझ में आ गया, और अच्छे से इसको अगर आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं इसको सीरियल वाइज से एक एक करके डेली आप लोगों को अपलोड करके भेजता रहूंगा, आप लोग इसको समझते रहिए। इससे रिलेटेड मेरा कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर जरूर आप लोग दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बताइए प्रोकैरियोटिक में
प्रोकैरियोटिक में, इसको इरेज कर देते हैं नहीं तो फिर आप लोग तो नकल करके ही बोल सकते हैं, प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, कौन कौन से जीव आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यूकैरियोटिक में एनिमल के अलावा यानी कि जो जंतु होते हैं उनके अलावा और कौन कौन से जीव आते हैं। और तीसरा मेरा क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा क्या है। ठीक है, ये तीन मेरा क्वेश्चन है, इन तीनों का आप लोग आंसर जरूर दे दीजिएगा। इसके बाद से हम लोग अब डिटेल से समझेंगे क्या क्या कैसे कैसे होता है, कितने प्रकार होते हैं, एक एक प्रकार के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।